नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो को एडिट करने के लिए, उसको फ्री में कैसे अपडेट करें, जिसका नाम है फिल्मोरा। मैं उसके आपको की देने वाला हूँ जिससे आप लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल्मोरा डाउनलोड करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं फिल्मोरा की साइट पर गया हूँ, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर प्लीज़ पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मुझे फ्री डाउनलोड करना है, यहाँ से फ्री डाउनलोड। दोस्तों जैसे मैं डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड शुरू होनी हो गई है, पर ये डाउनलोड हो गई है। जैसे डाउनलोड होगी दोस्तों, मैं इस पर इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये रही फाइल मेरी, तो मैं रहने एडमिट देता हूँ और मैं दोस्तों इसको यस कर दूँगा। दोस्तों फिल्मोरा हमें एक ऑप्शन देता है, या तो हम उसको सेल देकर ट्रैवल या फिर उसको बाय करें। बाय जो लोग बाय नहीं करना चाहते वो क्यों यूज़ करते हैं, और वो भी मैं आपको एक चीज देने वाला हूँ। तो मैं दोस्तों मैं सेटअप आ गया, तो लेआउट ऐसा है कि इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कम से कम 3-4 मिनट लेगा आपके, तो पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने कोड और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से जाके प्लीज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा फिल्मोरा में। बात रही फिल्मोरा की, फिल्मोरा एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है इजीली एडिट करने का वीडियोस। बाकी सारे जो सोनी वेगस वो थोड़े एडवांस हैं और टफ भी काफी हैं, तो अगर आपको इजी में रहकर और अच्छे से वीडियो एडिट करने का फंडाशेयर फिल्मोरा का बेस्ट ऑप्शन। तो ये देख सकते हैं कितने धीरे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्मोरा हमारे इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको खोलूंगा, ओपन करूंगा। फिल्मोरा दोस्तों काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी है, लेकिन ये आपको दो ऑप्शन देता है, इजी मोड और फीचर मोड। इजी मोड आप बिना बाइक परचेज करे भी यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फुल फीचर मोड अगर आपको वीडियो की ज्यादा एडिटिंग करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लोग बाय नहीं करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, तो सीधा क्रैक करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद दोस्तों मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप पेस्ट कर लीजिएगा। फुल फीचर मोड में जाऊंगा और यहाँ पे खुल जाएगा, हो गया दोस्तों। यहाँ पे फाइल खुल चुकी है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर लिखा आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने अभी इसको परचेज नहीं किया है। तो यहाँ पे अपने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई गए, तो उसको क्लोज करिए, रजिस्टर पे जाइए, रजिस्टर एंड यहाँ पे देखिए अनरजिस्टर्ड दिखा रहे, इसका मतलब मैंने अभी परचेज या बाय नहीं करा। तो मैं इसको दोस्तों क्लोज करूंगा यहाँ से, और यहाँ से भी क्लोज, और मैं दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा नोट पैड और इसको रन करूंगा दोस्तों, राइट क्लिक करके और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको यस करना है, परमिशन मांगनी है ऑफकोर्स, और यहाँ पे फाइल कुछ पेस्ट नहीं करना है अभी दोस्तों। मैंने एक फाइल सेव करके रखी है ऑलरेडी, कि यहाँ से स्टार्ट होगी 127.0.1 प्लेटफॉर्म, इसको आपको कॉपी करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जाके फाइल करनी है, फाइल जाके ओपन, कंट्रोल प्लस ओ या फिर ओपन। तो आपको सी ड्राइव में जाना है दोस्तों, सी ड्राइव, देन विंडोज, देन सिस्टम 32, फिर इट इज सिस्टम 32 एंड देन ड्राइवर्स ये रहा दोस्तों, ड्राइवर्स देन ETC एंड यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको होस्ट पे जाना है, डबल क्लिक, जाने के बाद दोस्तों आपको पेस्ट करना है। सॉरी मुझे क्लोज हो गया है, मैं दोबारा जाता हूँ।
और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। दोस्तों सेव करने के बाद आपको विंडो क्लोज कर देनी है और रिफ्रेश करना है सिस्टम को। दोस्तों ये वो फाइल्स होते हैं जो भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर लेते हैं उनका वहाँ पे एक यू नो लिंक हो जाता है, लिंक हो रिप्लेस हो जाता है वहाँ पे, जिससे आप वो बता देता है कि आपने सॉफ्टवेयर को क्रैक करा है। दोस्तों फिल्मोरा को खोल लेना और यहाँ पे मैं आपको एक लिंक, ईमेल और एक पासवर्ड, एक रजिस्ट्रेशन की दूंगा जिसके थ्रू आप जो है कर सकते हैं रजिस्टर। तो मैं नोटपैड में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने फाइल ले रखी है और मैं इस लिंक को .net कॉपी फुल फीचर मोड रजिस्टर एंड देन इधर ईमेल मांग रहे तो ईमेल पेस्ट कर दीजिए और कोड मांग रहे तो हम यहाँ से कोड दे देंगे 0501 ये वाला कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों पेस्ट हो गया, यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे। देखिए अनरजिस्टर्ड आ रहा है अभी भी और रजिस्टर थोड़ा वेट करेगा, एक सेकंड घबराइएगा मत। और ये देखिए दोस्तों आ चुका है वंडरशेफ फिल्मोरा हैज बीन रजिस्टर्ड, इसका मतलब मैंने इसको क्रैक कर लिया, रजिस्टर कर लिया है और हम उसे परमानेंटली रजिस्टर हो चुका है और हम कभी भी ईमेल या फिर लाइसेंस नहीं मांगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे अब कुछ खुलेगा, ये देखिए उन्होंने अपनी साइट दिया और ये लीगली रजिस्टर्ड हुआ है दोस्तों, इसके लिए इधर मैसेज मेरे पास आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, डोंट मिस द बेनिफिट फिलो फॉर यू। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर कर लिया है सिंपली, बहुत सिंपल स्टेप्स है। यहाँ से रजिस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इधर देखो ये इधर इंक्रिप्टेड हो चुका है, जिसका मैं रजिस्टर हो चुका है। तो मैं दोस्तों अगर कुछ भी यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।